प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य माना जाता है और सूर्य का संयोग अलग अलग ग्रहों से होने पर, सूर्य के राशि परिवर्तन होने पर इसका देश दुनिया पर और राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य देव अब प्रवेश करने जा रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में इनके प्रवेश का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 16 जुलाई 2023 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 10:08 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध विद्यमान है कर्क राशि में, शुक्र और मंगल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्या है। सूर्य देव अभी मिथुन राशि में विद्यमान हैं। अब 16 जुलाई को रात में कर्क राशि में उनका प्रवेश होगा। यहां पर सूर्य बुध के साथ विद्यमान होंगे प्रवेश के समय, और साथ ही साथ बृहस्पति से केंद्र में आ जाएंगे। बृहस्पति राहु अभी मेष राशि में हैं, तो सूर्य कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति और राहु से केंद्र में आ जाएंगे। अब चूंकि राहु और बृहस्पति दोनों का प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा, इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। वायुयान दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, इनकी संभावना बढ़ सकती है। जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। सूर्य हैं शासन के और राजनीति के स्वामी, इसलिए राजनैतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं, राजनैतिक रूप से बड़े सारे बदलाव हो सकते हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, आम जनता की मुश्किलें होंगी, महंगाई की वजह से भी और स्वास्थ्य की वजह से भी। इस समय लोगों को रोजगार में समस्याएं आ सकती हैं,
यानी बहुत सारे लोगों के रोजगार में दिक्कतें आ सकती हैं, जिनकी दशा इस समय अनुकूल नहीं चल रही है, ऐसे लोगों के रोजगार में समस्या आने की, दिक्कत आने की संभावना बन सकती है। इसीलिए नौकरी के मामले में सामान्यतः इस समय लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होगा और रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी, परिवार में आपके शुभ कार्य इस समय हो सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, तनाव आपके समाप्त होंगे, धन की समस्या आपकी हल होगी, करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कुछ काम अभी आपके बीच में रुक सकते हैं, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचिए। भगवान शिव को अगर गुड़ अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा अगले 3 महीने तक। क्योंकि सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो लगभग 15 अक्टूबर तक वो देश और दुनिया पर असर डालते हैं, यानी अगले 3 महीने तक देश और दुनिया को प्रभावित करते हैं। सूर्य देव का कर्क राशि में प्रवेश देश में आपदाएं बढ़ा सकता है, जल से आपदा, बेवजह के झंझट, तूफान, समुद्री आपदाएं और भूकंप, इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। बेवजह के विवाद और वैमनस्य में वृद्धि हो सकती है, लोगों के बीच में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। महंगाई में भी इन 3 महीनों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, इस समय महंगाई भी तेजी से बढ़ सकती है। इस समय देश के कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा की संभावना बनती है, वर्षा की वजह से देश के कुछ जगहों पर दिक्कत पैदा होगी, जल और नदियों से भी समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं, जल की वजह से, नदियों की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। भारत के जो उत्तरी इलाके हैं उसमें समस्या ज्यादा हो सकती है, उत्तरी और पूर्वी इलाकों में इस समय जल की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आगे आपको बताएंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का
अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, उपहार का सम्मान का लाभ इस समय मिल सकता है। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए, लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन इस समय संभाल कर रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। भगवान शिव को अगर गुड़ अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो अगले 3 महीने तक पूरी देश और दुनिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन राशियों पर उनका असर अगले 1 महीने तक पड़ता है और अलग अलग राशियों को अगले 1 महीने तक प्रभावित करते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों को अगले 1 माह तक प्रभावित करेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ नहीं होगा। वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अनुकूल है, इनके लिए लाभकारी है। कर्क राशि और धनु राशि के लोगों को इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कर्क और धनु वालों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और जिन राशियों के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है उन राशियों के लोग ज्यादातर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज्यादातर स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है, तो क्या उपाय करें? क्योंकि मोटे तौर पर केवल 4 राशियों के लिए परिवर्तन अच्छा है, वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ, बाकी तमाम राशियों के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ नहीं है। तो क्या उपाय किया जाएगा अगर ये परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा।
सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं सावन के महीने में। इसलिए अगर आप सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे तो बहुत अनुकूल होगा। और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा। अगले एक महीने तक अगर आप नमः शिवाय का जप करें, हर रविवार को गुड़ का दान करें, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आपको ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं बनेगी। अंतिम चार राशियों के राशिफल की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर में इस समय आपके कुछ बदलाव हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, करियर में आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए, धन के लेन देन में सावधानी रखिए, अपनी योजनाओं को अगर गोपनीय बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान शिव को अगर गुड़ अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पथरी है, पथरी की समस्या से परेशान है, तो पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालिए, 5-7 पत्तियां 1 कप पानी में उबालिए, जब वो आधा कप रह जाए तब उस पानी को पीजिए रोज दिन में। अगर आप ऐसा करेंगे तो पथरी की समस्या में इससे आपको शीघ्र छुटकारे की प्राप्ति होगी। चलिए अब जान लेते हैं सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। दिनांक 16 जुलाई रविवार को प्रातः काल पहले एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा और उसके बाद एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा। दोनों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।